अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत टाइम के बाद में मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो मैं ब्लॉग अभी डालने जा रही हूँ वो मैंने उसका स्टार्टिंग भी और एंड भी मैंने कर चुकी थी, बट अब मैं वापस से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे ये शेयर करना था। जैसे कि आप लोगों को पता है हम हर चीज़ आपसे शेयर करते, तो ये भी मुझे शेयर करना था और मुझे बताना था कि जैसे कि हम लोग के साथ में जो अभी ये पूरा 15 दिन जो भी हुआ है, लाइक जैसे कि ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने जा रही हूँ ये हम लोग को 15 दिन पहले ही अपलोड करना चाहिए था, बट हम लोग नहीं कर पाया क्योंकि जिस दिन ये अपलोड करने में मॉर्निंग में बस जा ही रही थी, सडनली मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया। मैं एडिटिंग कर रही थी कि मुझे अभी एडिटिंग करके और ये सब करके मुझे अपलोड करना है, और सडनली मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया कि तुझे पता चला क्या? मैं बोली क्या? तो बोले शहजान के डैडी का इंतकाल हो गया है। तो मैं सिर्फ शॉक्ड हो गई थी। मैं बोली क्या, वापस से बोलो क्या? तो वो बोले कि शहजान के डैडी का इंतकाल हो गया। तो बस वही था, मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा और मतलब ऐसा था कि मुझ कुछ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और वैसे ही हम लोग मतलब रेडी हुए और मुंजरीन के घर पे, मतलब शहजान के घर पे हम लोग चले गए थे। और बस वही था, वो मतलब 3 दिन हमारा वहाँ पे आना जाना रहा। उसके बाद में भी कंटिन्यू हमारे मतलब वहाँ पे पढ़ाई चलती गई। फिर जैसे आपको पता है कि और भी रिसेंटली शहजान ने अपना ब्लॉग डाला था, उसमें उसने बताया था कि उसके डैडी की मतलब कैसे डेथ हुई करके, और अचानक मतलब बहुत अच्छे, आप लोग ने भी उनको ब्लॉग में देखा है, माशाल्लाह से बहुत फिट और बहुत हेल्दी, मतलब बहुत अच्छे थे, ऐसा कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। और अचानक, और वो भी वो घूमने गए थे, कश्मीर गए थे, और उनका मतलब वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया उनको, और ऐसा होगा कि बहुत बहुत ही शॉक न्यूज़ थी ये। और उसके बाद में फिर ऐसा था कि हम लोग ने, हमारा मतलब दिल ही नहीं कर रहा था, मतलब 3 दिन पहले हम लोग इतने खुश थे 10 तारीख को, मतलब ये जैद और गौहर को मतलब बेबी बॉय हुआ, और उसी की खुशी में हम लोग थे। जब आप लोग तो देख लेना ब्लॉग में कि हम लोग कितने खुश थे, और उसके 4 दिन के बाद में ये हम लोग को न्यूज़ मिली। फिर वो चल ही रहा था, बैक टू बैक हमारा मतलब ये चल ही रहा था। उसके बाद में मेरा एक कज़िन है जो मेरे मामू का लड़का है, उसका भी इंतकाल हो गया है, तो उसका फिर उसका भी मतलब ये चल रहा था। तो अच्छा नहीं लग रहा था कि ब्लॉग भी अपलोड कर पाते, मतलब ऐसा होता है कि किसी के घर में खुशी है, किसी के घर में गम, मतलब अच्छा, और हमारे ये एकदम क्लोज़ है, क्लोज़ नहीं भी लेकिन इंसानियत के नाते अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने हमारा कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था, और वो फील आ रही, मतलब वो चीज़ बोल भी नहीं रही थी, दिल से गवारा भी नहीं कर रहा था कि हम लोग ब्लॉग बनाए और उसको डाले, या जैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने मेरे से मतलब ये एक दरख्वास्त है आप लोग से कि जो भी मतलब जिसका ये हुआ है, जैसे इंतकाल हुआ है मुंजरीन के ससुर का, डैडी बोलेंगे उनको, और शहजान के अब्बू का और मेरे भाई का, बस आप लोग से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिए, उनके मगफिरत के लिए दुआ करिए, और पूरी उम्मत, एक्चुअली पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। देखो अभी इतने दिन से हंस बोल रहे थे, और अचानक किसी ने सोचा भी ना होगा कि ऐसा हो सकता था। और मुझे ना बहुत लोगों के मैसेजेस आए, कॉल आए कि शहजान के डैडी का ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्योंकि वो लोग व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे थे, और बुशरा ने भी बीच में ये डाला था, तो वो लोग व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों को कितने लोगों को पता लगा और कितने लोगों को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप लोग का, मुझे कॉल करके पूछे बान आंटी आप लोग का क्यों नहीं व्लॉग आ रहा है, शहजान का क्यों नहीं आ रहा है, मुंजरीन का क्यों नहीं आ रहा है, अक्षा का क्यों नहीं आ रहा है। तो बस यही रीज़न था कि इस वजह से नहीं आ रहा था। फिर इंशाल्लाह अब तो मतलब थोड़ा सा हो रहा है, बट फिर भी एक होता है ना, तो ये जो पेंडिंग है हम लोग का, हम लोग चलो ठीक है, अभी इतने दिन से ये निकला है तो ये डालना है, तो आप लोग ये देखिए। तो मैं अपना स्टार्ट भी इसी से करूँगी और एंड भी यहीं पे करूँगी, तो आप लोग इंजॉय कीजिए व्लॉग देख के, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, लाइफ है चलेगी इंशाल्लाह, तो फिर आगे आप लोग को और देखने मिलेगा। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिए, और हमारी उम्मत के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, हम सब के लिए दुआ कीजिए बस, और अपने आमाल तैयार रखिए बस। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
सब हमारी मिठाई लेके हो चुकी है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं और फिर वहाँ पे आगे आगे क्या और कैसे होता है चलता है तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। चलिए, और ये मिठाई हम लोग ने अभी फिलहाल के लिए घर में खाने के लिए लिए है, है ना भाभी? ये भी मुंह हम लोग का मीठा होने के लिए हम लोग ने मिठाई लिया। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है और इतनी खुशी, और भी आगे आगे आपके लिए सरप्राइज है। सो आप लोग देखिए क्या क्या होने वाला है। वैसे ठीक है, चलिए हमने इनको भी पहले से बोल दिया था कि आपको ये टाइम पे आना है और बस वेट कर रहे थे कि जैसे कि ये लोग हॉस्पिटल से आ जाए तो फिर उसके बाद में हम ये स्टार्ट करेंगे। तो बस देखिए फिर टेस्ट में मिलेंगे। सो हमने फिर यहाँ पे आके यहाँ की जो मिठाई टेस्ट की तो हमको अच्छी लगी, फिर हमने यहाँ पे डन किया। और यहाँ पे कैसे हैं कि बेस्ट क्वान्टिटी वाइज मतलब बेस्ट अलग अलग वैरायटी भी है, अच्छी थी तो हम लोगों को यहाँ से पसंद आई ले लिए और हमको कुछ ज़्यादा ही क्वान्टिटी में चाहिए था। सो हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था मिठाई के लिए।
खाने के लिए हमने बनाया था दाल गोश्त, और यहाँ पे सब खाना इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत इंजॉय किया था। डांस करने के बाद में इतने थक से गए थे, फिर उसके बाद फटक से सब बैठ गए थे खाने के लिए, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से खाना भी बहुत टेस्टी बना था, और सब 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 ने बहुत ही इंजॉय किया माशाल्लाह। दाल गोश्त कैसा बना? हम सब दाल गोश्त कैसा बना? चलो ठीक है। दाल गोश्त कैसा बना? दाल गोश्त तुमने खाई नहीं, मैं तो कोई पूछ रही हूं। अरे जिम्मेदारी रूल रूल समझी लोग का मान पान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? एक एक गजरा सबको दो। एक तू ले, एक तू ले, ये खुशी के गजरे, खुशी के। एक सेकंड आ रही, रुको दीदी, एक सेकंड रुको। क्या फील हो रहा है बच्चे को देख के? मैं बोल रही हूं, मैं ऐसा वर्ड नहीं निकल रहा, खाली आंसू निकल रहे थे। देखिए ना, बहुत क्यूट है ना। माशाल्लाह बहुत खुश है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लो बांध, लाओ मेरे हाथ में बांधो, मेरे हाथ में बांधो। ये तो दुख दुख रहेगा फिर। हाँ हम लोग का भी कुलू कुलू चुच चुच ऐसा वाला। हाँ, you're so sexy, I love you। 24 hours तक तो टच ही नहीं कर सकते। मम्मी मम्मी ये दादी, ये दादी कुछ तेरा ही लगा है। अच्छा लग रहा है, चलो बाय। सो अभी हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, और हमारी अंशरा के हाथ में सब डब्बे हैं। कोई अंदर? अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो, तुमको भी परदादी बन गए ना? हाँ वैसी है। छोटी दादी, हाँ मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। चलो आप आए, बाहर आए, मुबारक मुबारक। फुप्पा बन गए, मुबारक फुप्पा। दादी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक दादी दादी दादी। बहुत मजा आई माशाल्लाह, बहुत पानी खेले। एसएलवन यही हो गया था हमारा, एसएलवन यही हो गया था, पानी खेले। हाँ तो इसके लिए आपको ना मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। अच्छा, ब्लॉग देखना मेरा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? है ना, उसके लिए मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वही चल अंदर आ गए शेजान, आ गए आ गए आ गए। हाँ निकाल, मेरे
पहले तो भेजी मुबारक हो मुबारक हो। मैं तो वही तो बोली जाने तो अभी है ना ब्लॉग में देख लेना मेरे। क्या बोलेंगे अभी बरदादी बरदादी बना और कैसा बना खाना? ये तो ऑल टाइम फेवरेट है माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा लगा। रेशु किचन के पास से हमारे को ये मिल गया थम्स अप मतलब बस हो गया फिर उनकी रेसिपी में बड़े अब्बा नहीं बड़े अब्बा नहीं बड़े अब्बा नहीं क्या बोला बड़े अब्बा नहीं क्या बिग पॉप बिग पॉप बिग बिग पॉप बिग पॉप बिग पॉप बिग पॉप अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं इंशाल्लाह। चल अल्लाह हाफिज़ मंजरी मिलते कल इंशाल्लाह। चल चलो ऊपर चलने तो हम लोग निकले अभी मिठाई बांटने। आप देख सकते हैं आसान नहीं है हमें मेहनत लग रही थी मेहनत है। ये आप देख सकते हो मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा ये दादी मिठाई है और हम लोग बांटने निकले अभी ना इनको दाल गोश देने का ले लेंगे ना दोनों तेली। हाँ चलो लगे हमें फोन चल पाते हैं।